जी क्या कहेंगे आपके विधानसभा में आम आदमी ने 3 वार्ड जीते और 2 में रह गए, क्या कुछ कहेंगे, कहां कुछ लगा कि उन 2 वार्डों में क्या कमजोरी हुई? नहीं, हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला। महिपालपुर वार्ड में भी हम 2 नंबर पर रहे, दुर्भाग्यवश को 240-260 सीटों वोटों से हम हमारा कैंडिडेट पीछे रह गया, लेकिन चुनाव उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा और वहाँ भी हम थोड़ी सी कसर की वजह से नई सीट निकाल पाए, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस पूरी विधानसभा में बहुत अच्छी रही। राजनगर वार्ड हम बड़े अच्छे तरीके से जीते, द्वारका सी जीते, कापाछेड़ा जीते, बिजवासन में जरूर हमें सेटबैक लगा कि हमारा प्रत्याशी कोई 1800 वोटों के मार्जिन से हार गया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की बिजवासन विधानसभा में बहुत अच्छी रही है। अगर सर दिल्ली की बात करें, 134 सीटों पे आम आदमी पार्टी आई, 103 पे भाजपा, क्या कहेंगे किस जैसे कि बीजेपी आज भी कह रही कि नया हमारा। देखिए, टर्मेंडस समर्थन जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला। 15 साल की जो एक सरकार MMCD में चल रही थी भाजपा की, उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हटा सकी, उन्होंने उनको ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस भी नहीं कर पाई पिछले 15 साल में ये सब, तो आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है बहुमत का और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो 134 पर ही रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे सब इस बात से खुश हैं कि MCD में आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। MCD में अब हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा आए हैं, हम अच्छा काम करेंगे MCD में। मेयर का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास 134 पार्षद आए हैं, क्लियर मेजोरिटी है, तो मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, हमें पूरा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है तोड़फोड़ के लिए, अगर इन्होंने ऐसी कोई हिमाकत की, ऐसी कोई हरकत की, तो इनका हर्ष ऐसा ही होगा जैसे चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी थी, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ करके अपना मेयर बना लिया, उसका सीधा सीधा प्रभाव पंजाब में देखने को मिला कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त बहुमत मिला उसके बाद, और चंडीगढ़ में भी हमें बहुमत मिला। अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत या हिमाकत की, तो इनको 2024 के इलेक्शन में बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मेयर हमें पूरा पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। सर 10 गारंटी दी गई, कब तक, कितने दिनों में उन 10 गारंटियों के लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी? सफाई के काम पे हमने आज से ही काम करना शुरू कर दिया है। आज MCD के कुछ सफाई कर्मचारी मेरे पास आए थे, उनको मैंने हिदायत दी, इंस्ट्रक्शंस दी कि सफाई पे आप पूरे का पूरी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सारे सड़कों पे नज़र आने चाहिए, कहीं कोई कूड़ा नज़र आना नहीं चाहिए, और जनता से कोई शिकायत हमें इस बारे में नहीं मिलनी चाहिए। तो हमने सफाई के बारे में आज से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। सर जैसे कूड़े के ढेर को लेकर चुनाव में बड़ी राजनीति, बड़ी एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप भी चले, क्या कहेंगे कूड़े के ढेर का क्या किया जाएगा? देखिए, साइंटिफिक तरीके से इसका निष्पादन होगा, और 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के 3 इलाकों में हैं, उनको ख़त्म करने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें हमें सभी 250 पार्षदों का सहयोग चाहिए, इसमें हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इसका निष्पादन जो है साइंटिफिक तरीके से हो और एक भी कूड़े का पहाड़ आगे दिल्ली में ना बन पाए। अब अपनी विधानसभा की जनता को और दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, विधानसभा में 2020 में चुनाव हुआ, उससे पहले 2015 में हुआ, आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाए, अब MCD में भी बहुमत आम दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, इसमें भी हम पूरा पूरा प्रयत्न नहीं बल्कि हम काम करेंगे, और सफाई के बारे में, नाली जो हैं गाँव की, बस्तियों की, कॉलोनीज की, इनके बारे में, सड़कों के बारे में, और जो दिल्ली को हरा भरा बनाना है, इस पे हम ज़बरदस्त तरीके से काम शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा।